अगर माइक्रोफोन और ऑडियो इंटरफेस दोनों में से सिर्फ एक चीज़ अपग्रेड करने का आपके पास बजट है, तो क्या अपग्रेड करने से मेजर डिफरेंस आपको नोटिस होगा रिकॉर्डिंग क्वालिटी में? चाहता तो हूँ कि इस सवाल का जवाब सिंपल रखूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखूँ और आपसे कह दूँ कि माइक्रोफोन अपग्रेड कर लो तो एकदम ज़्यादा नोटिसेबल डिफरेंस आपको महसूस होगा। लेकिन क्योंकि हर एक के लिए ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है, तो इस वीडियो में बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिसके बेस पे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको माइक अपग्रेड करना चाहिए या फिर ऑडियो इंटरफेस। और क्योंकि बात हो रही है अपग्रेड करने की, तो जाहिर सी बात है उन लोगों को ध्यान में रख के वीडियो बना रहा हूँ जिनके पास ऑलरेडी एक सेटअप है। लेकिन ये सेम फैक्टर्स जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं अपना परचेज डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहले तो जितने भी होम स्टूडियो ओनर्स हैं उनको हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिस्ट, देन प्रोड्यूसर्स, थर्ड इज इंजीनियर्स। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास इनमें से मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन प्राइमरीली आप खुद को किस बेस पर आइडेंटिफाई करते हो, आपका मेन रोल क्या है, उसके बेस पे हम ये डिसीजन लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिस्ट की। इसमें मैं इंक्लूड करूंगा उन सभी लोगों को जो या तो वोकलिस्ट हैं या फिर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं अपने होम स्टूडियो में, कोई ना कोई लाइव इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करते हैं। तो आपका मेन गोल है बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी का रॉ रिकॉर्डिंग अचीव कर पाओ आप अपने होम स्टूडियो के अंदर। आइडियली एनी वन शुड गो फॉर द बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो इंटरफेस एंड माइक्रोफोन फॉर दिस पर्पस। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास बजट सिर्फ किसी एक चीज़ को अपग्रेड करने का है, तो पहले आप माइक्रोफोन अपग्रेड करें। क्यों? अब ये समझते हैं। और जो मैं एग्जांपल दूंगा उसमें मैं ध्यान में रखूंगा कि जो ऑडियो इंटरफेस और माइक्रोफोन की बात कर रहा हूँ वो 30,000 से कम रेंज के हों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग अबव दैट। तो अगर आपके पास अभी ऑडियो इंटरफेस है, लेट्स से एनीथिंग विच कॉस्ट लेस देन 10,000 रुपीज, और आपका बजट आप डबल करना चाहते हो, यू वॉन्ट टू स्पेंड अराउंड 20,000 to 25,000 रुपीज ऑन एन ऑडियो इंटरफेस, नो डाउट उसमें आपको बेटर डायनेमिक रेंज मिलेगी, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको जो कन्वर्टर्स की क्वालिटी है वो भी शायद थोड़ी बेटर मिल जाए, बीट एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, पर उसका जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है वो वही लोग कर पाएंगे जो घर में मिक्स भी करना चाहते हैं, हु आर गोइंग टू यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ स्टूडियो मॉनिटर्स एंड हेडफोन्स। अगर आप माइक वही का वही रखते हो और ऑडियो इंटरफेस अपग्रेड करते हो, तो रिकॉर्डिंग क्वालिटी में उतना मेजर डिफरेंस किसी अनट्रेंड ईयर को इन माई ओपिनियन नोटिस नहीं हो पाएगा। वेर एज वहीं हम एग्जाम्पल लें, 10,000 से कम का आपके पास अभी माइक्रोफोन है और आप उसमें अपना बजट डबल करते हो, यू वॉन्ट टू बाय समथिंग अराउंड 20,000 to 25,000 रुपीज़। लेट मी गिव यू वेरी स्पेसिफिक एग्जाम्पल। अगर आपके पास अभी सैमसंग का जो एंट्री लेवल का CO1 माइक्रोफोन है या फिर बेरिंजर का जो एकदम बजट फ्रेंडली माइक्रोफोन है बेरिंजर C1, इसमें से कुछ भी आपके पास है और आप लेट से इन्वेस्ट करना चाहते हो रोड NT1A में या फिर ल्यूइट का LCD440 प्योर है उसमें, तो ऑडियो इंटरफेस के अपग्रेड के कंपैरिजन में यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट महसूस होगा, बिकॉज एटलीस्ट इनिशियली 5,000 से 10,000 की जो रेंज है वहाँ से हम 20,000 में जाते हैं, 20 to 30 में जाते हैं, 40-50 तक जाते हैं, तो माइक्रोफोन की क्वालिटी में जो है वो मेजर इम्प्रूवमेंट हमें नोटिस होता है। उसके बाद हम उस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे अगर आपको माइक्रोफोन की क्वालिटी में मेजर इम्प्रूवमेंट नोटिस करना है तो आपको लाइक अपवर्ड्स ऑफ 1.5-2 lakhs आपको स्पेंड करना पड़ेगा। बट लेट्स स्टिक टू इक्विपमेंट दैट आर बिलो 30,000। ऑडियो इंटरफेस का अगर हम एग्जांपल लें, सपोज यू ऑलरेडी हैव समथिंग लाइक Focusrite Scarlett Solo, तो 20,000 to 25,000 इवन 30,000 तक जाओ तो आपको 8i6 का ऑप्शन मिलता है Focusrite में। अगर थोड़ा और आप इन्वेस्ट करो तो 18 इनपुट का आपको ऑडियो इंटरफेस जो है Focusrite का वो मिल जाएगा। Focusrite Scarlett सीरीज के इन सभी ऑडियो इंटरफेस में सेम क्वालिटी ऑफ प्रीएम्प्स यूज हुए हैं। सो बेसिकली यू आर जस्ट पेइंग फॉर मोर नंबर ऑफ इनपुट्स एंड मोर नंबर ऑफ आउटपुट्स। अगर Scarlett Solo टाइप का कोई ऑडियो इंटरफेस आपके पास ऑलरेडी है और आपको बेटर कन्वर्टर्स चाहिए, रिकॉर्डिंग क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आपको चाहिए, देन यू माइट हैव टू इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक Audient ID4 और Audient ID14। बट इवन इन दैट केस, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रिकॉर्डिंग क्वालिटी में डिफरेंस शायद उतना नोटिस ना हो। कहाँ पे आप डिफरेंस नोटिस करोगे? अगर आपके पास स्टूडियो मॉनिटर्स हैं या फिर कोई अच्छे हेडफोन आप यूज़ करते हो, तो आपको आउटपुट सडनली जो है वो काफ़ी बेटर सुनाई देगा। लेकिन एक अनट्रेंड ईयर को शायद वो चीज़ भी उतनी ज़्यादा ना नोटिस हो। वेयर एज माइक्रोफोन के केस में जो डिफरेंस होगा वो इन माई ओपिनियन नोटिसेबल होगा। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। अगर आप
खुद एक आर्टिस्ट हो, अपने सारे गाने खुद ही गाते हो, या फिर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आगे जाके करना चाहते हो जहाँ पे दूसरे आर्टिस्ट आके आपके घर पे ही अपने वोकल्स रिकॉर्ड कराएंगे, तो इवन इन योर केस इट मेक्स मोर सेंस टू अपग्रेड योर माइक्रोफोन फर्स्ट। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर और ज़्यादातर क्लाइंट जो आपके पास आएंगे वो आपसे ही फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसा बहुत रेयर केस में होगा कि आपके पास आके सिर्फ प्रोड्यूस करवाए कोई ट्रैक और बाद में मिक्सिंग एंड मास्टरिंग के लिए किसी और के पास वो प्रोजेक्ट भेजे। तो सूनर और लेटर यू विल ऑल्सो हैव टू थिंक अबाउट अपग्रेडिंग योर ऑडियो इंटरफेस एज वेल, क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ेगी अच्छे स्टूडियो मॉनिटर्स की, अच्छे हेडफोन्स की विच आर डिज़ाइन फॉर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग पर्पस। तो उनका बेस्ट पॉसिबल आउटपुट डिराइव करने के लिए इट इज़ मैंडेटरी दैट यू हैव अ रियली गुड ऑडियो इंटरफेस। और अगर 30,000 से कम रेंज के ऑडियो इंटरफेस की बात करें तो उसमें अभी के सिनेरियो में ऑडियंट के आई डी सीरीज़ के जो ऑडियो इंटरफेस हैं बोथ ID14 एंड ID4 Mark II, ये बेस्ट क्वालिटी ऑफ कन्वर्टर्स एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्री एम्प प्रोवाइड करते हैं इस बजट रेंज में। लास्टली बात करते हैं इंजीनियर्स के बारे में। जो लोग पहले से ही कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको तो पता ही है कि उनको क्या चाहिए, लेकिन जो एस्पायरिंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए बता दूं कि आपके होम स्टूडियो के इन्वेस्टमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, उसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए पहले तो ऑडियो इंटरफेस और हेडफोन का कॉम्बिनेशन होगा। दिस इज़ गोइंग टू अर्न यू योर ब्रेड एंड बटर, तो इसमें तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते। देन स्लोली वंस यू हैव अकूस्टिकली ट्रीटेड रूम, तो उसके बाद आप अच्छे स्टूडियो मॉनिटर में इन्वेस्ट करें। माइक्रोफोन आपकी लास्ट प्रायोरिटी रहेगी। और अपग्रेड के अगर मैं सजेशंस दूं तो इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग समथिंग लाइक अ फोकसराइट तो चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो ID4 और ID14 में, जैसा कि मैंने पहले की कैटेगरी के बारे में बताया। बट If you are really serious about mixing and mastering, if you are really serious about taking your skills to next level, मैं suggest करूँगा आप checkout करें ये दो brands, RME और Universal Audio के interfaces. Those are really expensive, upwards of 50,000, वहाँ से तो उनकी starting range ही होती है. But if this work is going to be your primary earning source, then it makes no sense कि आप बाकी चीज़ों में और पैसे बिगाड़ें लेकिन audio interface आप काफ़ी basic सा use कर रहे हो. Even those who are on a limited budget, कोशिश कीजिए कि आप थोड़े बहुत पैसे save करें और at least ID4 या ID14 जैसे audio interface से आप start कर रहे हैं, and then in future try and upgrade to any of the audio interfaces from the brands like RME or Universal Audio. ये सारे recommendation जो मैं आपको दे रहा था उनकी links आपको मिल जाएगी video के description box में। इन चीज़ों के अलावा भी home studio से related जितने भी requirements होती हैं उन सभी को अलग अलग budget category के हिसाब से मैंने list किया है, उसकी link भी आपको video के description में मिल जाएगी। इस video में बस इतना ही, मैं आपसे मिलूंगा अगले video में, तब तक के लिए it's goodbye from me, be good, do good, serendipity will follow.